और भाकपा माले ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर पार्टी के लोग केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। कार्यकर्ता रेलवे प्लेटफॉर्म के मुख्य गेट के समीप प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान भाकपा के जिला सहायक मंत्री शंभू मंगोली ने क्या कुछ कहा, आइए देखें। दुमका से नितेश कुमार। किसान लीडर ढाई महीना से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री के कान में जू तक नहीं हुआ। जितने दिन हुआ उतने किसान वहाँ मर गए, आत्महत्या कर लिए, शहीद हो गए। इसके बारे में भी प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोले। पूरे देश को चलाने वाले मजदूर किसान, आज तक मजदूरों की, किसानों की बात प्रधानमंत्री नहीं सुने और नहीं माने। मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री आज पूरे बहुमत में, फुल बहुमत में है, और कल अगर चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री को खुद सोचना होगा, पूरी बहुमत नहीं होगी, अल्पमत में आ जाएंगे। वर्तमान में भी देखिए, बंगाल में चुनाव है, बंगाल के चुनाव में देखिएगा कि रिजल्ट क्या होगा। अभी तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन पूरी आशा है कि किसान के खुद से जो भागेगा कभी सरकार बना नहीं सकता है। दोस्तों, मैं प्रधानमंत्री से बार बार मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, आखिर मजदूर किसान की क्या गलती है, क्या गलती की, क्या वो देश की नहीं है, क्या वो अपनी मांग, जो मान लो जमीन मांग नहीं है। जब तीन काला कानून आपसे वापस करने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करके कहता हूँ, वो तीनों काला कानून वापस कर ले। आज अगर आप वापस करते हैं तो कल से जो दिल्ली आंदोलन हो रहा है वो बंद हो जाएगा। जी, आपका परिचय? मेरा नाम शंभू मौर्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जिला सहायक मंत्री हूँ मैं। और आज पूरे देश में रेलवे का आंदोलन था, इसी तरह से दुमका जिला रेलवे स्टेशन पर कोशिश कर रहा हूँ।